Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CC Secret Crafted Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये वीडियो। किचन हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी गंदगी होती है ना तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। किचन क्लीन है तो हमारा माइंड भी एकदम सेटिस्फाइड रहता है और हमारा मन करता है अच्छा अच्छा खाना पकाने का। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा किचन साफ सुथरा रहे और ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो अगर हम छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करते हैं तो हमारा किचन रोज भी उतना ही क्लीन नजर आएगा जितना जब हम एक महीने के बाद या दो महीने के बाद क्लीन करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो कीजिए जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते हैं, दोनों ही केस में प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगी और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम लोग अपने किचन में काम करते हैं तो किचन हमारा कितना ज़्यादा फैल जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम काम करते समय भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और जब हमारा किचन हम ऑर्गेनाइज करने पर आएँ तो हम किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करें। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और आज संडे है, तो मैंने सोचा कि आज अपने किचन की करती हूँ डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले चाय के पैन में जितनी भी चाय पत्ती थी वो सब कुछ मैंने एक सिल्वर फॉइल में डाली है। सिल्वर फॉइल कल रात के कैस्ट्रॉल की यूज्ड सिल्वर फॉइल थी, तो इस तरह से जो बेकार सिल्वर फॉइल थी वो भी यूटिलाइज हो गई और दूसरा जो चाय पत्ती थी वो भी हमने सिल्वर फॉइल में करके डाली है, तो डस्टबिन गंदा नहीं होगा। अब आती है बारी गैस के चूल्हे को क्लीन करने की। मैं सुबह का नाश्ता बना चुकी हूँ और जितने भी गंदे बर्तन थे वो सब कुछ मैंने सिंक में डाल दिए हैं। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो या डिनर हो, हमेशा खाना बनाने के बाद चूल्हे को ज़रूर क्लीन करती हूँ। तभी आप देख सकते हैं मेरा चूल्हा हमेशा इसी तरह से चमकता रहता है। आपको ये बात भी खास ध्यान रखनी है, जब भी आप खाना बनाते हैं तो चूल्हे को हटाकर भी उसको क्लीन किया कीजिए, क्योंकि नीचे भी बहुत बार काउंटर टॉप पर गंदगी हो जाती है। मीन्स आपने कोई सब्जी फ्राई की है तो उसकी वजह से भी कुछ सब्जी गिर गई, तो इसलिए आपको उसके नीचे भी क्लीन करना ज़रूरी है। जब आप मंथ में क्लीन करते हैं तो इस तरह से चूल्हे में जो नॉब लगी होती हैं जहाँ से हम गैस के लिए ऑन ऑफ करते हैं उसको भी एक बार ज़रूर क्लीन किया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैंने इसको ओल्ड टूथब्रश से, स्क्रबर से और कुछ जो ज़्यादा जम गया था उसको नाइफ की हेल्प से क्लीन किया है और अब ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। तो जब हमारा किचन एकदम साफ सुथरा होता है, क्लीन होता है, तो हमारा मन भी करता है इसमें काम करने का। अब मैंने अगेन नॉब लगा दी है और एक बार और अच्छे से चूल्हे को क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि चूल्हा कितने अच्छे से चमक रहा है। अब बारी आती है चूल्हे के दूसरे साइड के काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो जितने भी यूटेंसिल्स रखे होते हैं मैं सबको पहले एक बार हटा देती हूँ, उसके बाद एक साफ कपड़े से इसको क्लीन कर देती हूँ। टाइल्स को भी हमेशा क्लीन करती हूँ। ध्यान रखिए, जब भी आप किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं तो टाइल्स को भी क्लीन किया कीजिए, क्योंकि जब भी आप ग्रेवीज वगैरह बनाते हैं तो उसके छींटे टाइल्स पर पड़ते हैं। और अगर आपका किचन भी नॉन मॉड्यूलर है जिसमें चिमनी नहीं लगी हुई है तो खाना बनाते समय जो हम ऑयल का यूज़ करते हैं वो भी टाइल्स पर जम जाता है, इसलिए टाइल्स क्लीन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप कोई सामान हटाकर क्लीनिंग करते हैं तो उस सामान को भी अच्छे से क्लीन ज़रूर कीजिए, जैसे कि मैंने मिक्सर ग्राइंडर को क्लीन किया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया सी टिप बताती हूँ। जब भी हम ऑयल के कंटेनर रखते हैं तो उसके नीचे ऑयल इकट्ठा हो जाता है, इसलिए जो ये बेकार फेंकने वाले कंटेनर्स होते हैं उनके ढक्कन भी वेस्ट ही होते हैं। मैं उनको अक्सर इस तरह से इसके नीचे रख देती हूँ जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं, ताकि जो हमारी शेल्फ्स हैं वो गंदी ना हो और ये जो ढक्कन होते हैं इनको हम अगेन वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मसाले ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ इस तरह के बॉक्सेस बनाकर रखती हूँ। ये DIY बॉक्सेस हैं। अगर आप इनका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वैसे बहुत ही सिंपल है, जो अमेजोन के या गत्ते के खाली डिब्बे होते हैं उनको जस्ट आप रैप कर लीजिए किसी भी रैपिंग पेपर से और आपके ये बॉक्सेस तैयार हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से भी इसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि आज संडे है तो मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने पूरे काउंटर टॉप को क्लीन किया है। जितना भी कचरा था उसको एक डिब्बे में निकाल लिया है। अब मैं इसको भी फेंक दूंगी और यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है और जो दूसरी साइड में
सब बर्तन हटाकर रखे थे तो मेरा पूरा किचन का स्लैब भर चुका है। अब मैं धीरे धीरे करके सभी बर्तन क्लीन करूंगी। सबसे पहले जो मेरे रात के बर्तन हैं और जो मॉर्निंग के बर्तन हैं उनको मैं क्लीन करती हूँ। और क्लीन करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया सी टिप्स हैं, वो आप नोटिस कीजिए। यहाँ पर मैंने एक मैट लगाया है और एक मैट मैं यहाँ पर किचन के काउंटर पर लगा रही हूँ। ये वाला जो मैट मैंने लगाया है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं बर्तन क्लीन करूँगी तो मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। और ये वाला जो मैट है जहाँ पर रखकर मैंने अभी इसमें विम जेल रखा है, वहाँ पर रखने से जब हम बर्तन रखेंगे तो बर्तनों का पानी नीचे फर्श पर नहीं गिरेगा, मीन्स हमारी किचन का फ्लोर गंदा नहीं होगा। और जब भी आप बर्तन को क्लीन करते हैं तो इस तरह के स्क्रबर का यूज़ कीजिए, ये बहुत ही ईजी होता है। इसकी सहायता से बर्तन बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाते हैं और झाग भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं अगर आप लिक्विड डिश जेल का यूज़ करते हैं। तो मैं इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए अपने सभी बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रखकर मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ लेकिन मेरे कपड़े गीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो मैंने मैट लगाया है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अगर आपके पास मैट्स नहीं हैं तो आप पुराने टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पुराने टी शर्ट्स वगैरह हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी बर्तनों को वॉश करूँगी कुछ इस तरह से, और लास्ट में मैं जब सारे बर्तन साबुन से धुल जाएंगे तब मैं इनको क्लीन करूँगी। और यहाँ पर भी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी टिप बताती हूँ, जो बड़े बर्तन होते हैं उन्हें हैंड टू हैंड वॉश करके उनके प्लेस पर रख दीजिए ताकि ज़्यादा मैस ना फैले। और अब यहाँ पर जब मैंने सारे के सारे बर्तन साबुन से धो लिए हैं तो सबसे पहले मैं सिंक में जितनी भी गंदगी होती है उसको निकाल देती हूँ, और उसके बाद मैं पहले सिंक को क्लीन करती हूँ साबुन से या स्क्रबर से, और उसके बाद ही मैं इसमें धुले हुए बर्तनों को वॉश करती हूँ। मीन्स जिन बर्तनों को अभी मैंने साबुन से धोकर रखा है उन बर्तनों को पानी से साफ करने से पहले मैं सिंक को और उसकी जो टैप्स होती हैं उनको क्लीन करती हूँ। इससे होता क्या है, जितनी बार भी मैं बर्तन धोती हूँ उतनी ही बार मैं सिंक को क्लीन भी कर देती हूँ, तो मेरी सिंक हमेशा इसी तरह से चमकती रहती है और इसमें कभी भी कोई गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बर्तन धोएं हमेशा अपनी सिंक को भी क्लीन कीजिए, उसे रात पर या सुबह के टाइम के लिए ना छोड़ें। अब जितने भी बर्तन हमने साबुन से धोकर रखे थे उनको मैंने सभी को सिंक में ऐड किया है। अब जब मैं बर्तन धोकर रखूंगी तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया सी टिप है ताकि आपका जो काउंटर टॉप है वो गीला ना हो। और यहाँ पर आप देखिए कि जो बर्तन मैंने रखे थे इस मैट के ऊपर, इसकी वजह से मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। जो बैक साइड से गीला हुआ है उसको मैंने वाइप कर दिया है, यानी कि वाइपर से पानी निकाल दिया है, तो काउंटर टॉप मेरा किचन का स्लैब बिल्कुल क्लीन है। और अब मैंने यहाँ पर एक और मैट रखा है, उसके ऊपर मैं जितने भी बर्तन हैं उन्हें धो धोकर रखती रहूँगी, और जो कुछ बर्तन मैं स्टैंड में लगा रही हूँ उनसे भी पानी निकलता है तो वो सब कुछ मैट के ऊपर आएगा, लेकिन मेरे स्लैब के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा और मेरा स्लैब बिल्कुल सूखा रहेगा, जिसकी वजह से किचन का फर्श भी गीला या गंदा नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जब भी हम बर्तन धोते हैं ना तो इस चीज़ का हमको फेस करना पड़ता है कि हमारा पूरा किचन गीला हो जाता है और उसके बाद किचन में निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के मैट्स यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली आपका जो किचन का काउंटर टॉप है यानी कि स्लैब है वो भी बिल्कुल सूखा रहेगा बर्तन धोने के बाद भी, और आपका किचन का फर्श भी बिल्कुल सूखा रहेगा। आप चाहें तो किचन के फर्श पर भी दो मैट्स बिछा दीजिए ताकि नीचे बिल्कुल भी गंदगी ना हो, इससे आपका किचन हमेशा क्लीन बना रहता है। अब बारी आती है ये जो मैट्स होते हैं इनको भी मैं हमेशा इसी तरह से धोकर रख देती हूँ। जब इनका यूज हो जाता है तो आप इनको धो सकते हैं, ये इजीली वॉशेबल होते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। मैं पिछले 3 साल से इन वाले मैट्स को यूज़ कर रही हूँ, आपको ये ऑनलाइन भी इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दिया है कि आप पुराने टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इन मैट्स को बाहर धूप में सूखने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर ये अगेन रेडी टू यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा किचन का इधर की साइड का काउंटर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी जो बर्तन मैंने हटाए थे उनके आप देखिए ये जो स्पैचुला होल्डर्स हैं, अगर हम इनको महीने भर तक या 2 महीने तक क्लीन नहीं करते हैं तो इन पर धूल चिपचिपापन जम जाता है, इसलिए इनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इनके सारे स्पैचुलास निकाल दिए हैं और इनको क्लीन करके धूप में सुखा लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये PVC शीट, जिसको मैंने इसी के साइज़ का कट किया है।
ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये 4-5 साल या बोल लीजिए 10 साल तक भी कहीं नहीं जाती है, बहुत ही ड्यूरेबल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के मैट्स का यूज़ कर सकते हैं, पीवीसी शीट का, अपने किचन काउंटर पर। इसको क्लीन करना भी बहुत ईजी होता है, इसकी वजह से आपके फर्श भी गंदे होने से बच जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ये शेल्फ थी इसको क्लीन किया है। और अगर आपका भी किचन नॉन मॉडलर है जैसे कि मेरा है, जहाँ पर कोई भी अलमीरा वगैरह नहीं होती है, तो आप इस तरह के छोटे छोटे शेल्फ अपने किचन में ऐड कर सकते हैं, जिस पर ढेरों सामान आ जाता है और आपका किचन ऑर्गेनाइज लगता है। और जो कंटेनर्स हैं ये ऑयल के, इनको रखने के लिए तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता ही चुकी हूँ कि कोई भी खाली प्लास्टिक के कंटेनर्स के ढक्कन होते हैं उनको इसके नीचे रखिए, ताकि ये गंदा ना हो। और यहाँ पर मैंने ये स्पैचुला होल्डर, स्पून होल्डर सबको क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं अंदर तक बिल्कुल अच्छे से क्लीन है। मैंने इनको साबुन से धोने के बाद धूप में सुखाया था। तो अभी शाम का टाइम है जब मैं अपने सभी बर्तनों को लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल सेट किया है। अब मैंने एक बड़ा सा स्पून होल्डर भी बनाया हुआ था जिसमें मैं अपने सभी स्पैचुलास रखती हूँ। अगर आप ये वाला DIY देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे स्पैचुलास रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता है, मीन्स प्रॉपर बैलेंस्ड में रहता है। और इस तरह से मैंने अपने संडे की पूरी किचन की क्लीनिंग की है। आपको मैंने जो टिप्स शेयर की हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि कौन सी वाली टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन कौन सी टिप्स आप अपनाने वाले हैं अपने किचन को क्लीन करने के लिए, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप किचन में फेस करते हैं। अगर आप उनका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब आप देख सकते हैं मेरा किचन कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रहा है और साफ़ सुथरा लग रहा है, इज़न्ट इट। इस बात पर एक लाइक तो बनता है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा की है, तो आप लोगों के लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। और मैंने एक ये DIY स्पून होल्डर्स भी बनाए थे 3। अगर आप इनका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताती हूँ कि जब भी हम अपना चकला बेलन रखते हैं तो चकला अक्सर फर्श पर रखने से गिर जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक टॉवल की छोटी सी पट्टी इस तरह से यूज़ की है, इसके ऊपर अगर आप चकला रखेंगे तो वो नीचे नहीं फिसलेगा और आपका चकला टूटने से बच जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अपनी बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हमेशा कुछ इस तरह की एक बास्केट यूज़ करती हूँ, उसी में अपनी सारी बॉटल्स रखती हूँ, तो बॉटल्स मेरी ऑर्गेनाइज लगती हैं और जब भी खाली होती है तो मैं अगेन इसी में भरकर रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरे किचन की दूसरी साइड का काउंटर भी बिल्कुल क्लीन एंड नीट लगता है। आप देख सकते हैं मेरा किचन नॉन मॉडलर है, लेकिन उसको मैंने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। नॉन मॉडलर किचन के लिए अगर आप और कोई सी भी टिप्स चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं अपने काउंटर टॉप के नीचे का हिस्सा किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, अगर आप ये सब भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।